गाजा में जमकर तबाही मचाने के बाद इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना ने जॉर्डन नदी के पश्चिम और यरूशलम के पूर्व में मौजूद वेस्ट बैंक पर धावा बोला है। इजरायली हमले में वेस्ट बैंक के दो इलाके जेनिन और नबलस को निशाना बनाया गया है। इन दोनों इलाकों में इजरायल ने भीषण एयर स्ट्राइक की। बताया जाता है कि इजरायली हमले वेस्ट बैंक के उन इलाकों में हुए जो लोगों से खचाखच भरे हुए थे। ड्रोन और बम की आवाज सुन लोगों में दहशत और डर एक बार फिर बढ़ गया है। तो वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने इजरायली बलों का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन वेस्ट बैंक की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि गाजा के बाद वेस्ट बैंक पर इजरायली सेना का ये सबसे बड़ा अभियान है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इजरायली बल वेस्ट बैंक में हिंसक कार्रवाई कर तनाव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अल मयादिन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिण पूर्वी जेनिन के कस्बे में एक फिलिस्तीनी घर को भी घेरा। इस दौरान उस पर कई ग्रेनेड दागने की भी बात सामने आई है। वहीं इजरायली बलों ने फिलिस्तीनी रेड क्रीसेंट क्रू को अंदर फंसे लोगों की मदद के लिए आने से भी रोका। इजरायली कार्रवाई में कई फिलिस्तीनियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इजरायली सैनिक इन्हें अपने साथ ले गए हैं। वेस्ट बैंक में चल रहे भीषण टकराव के बीच हमास की मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड ने भी बड़ा दावा किया है। जेनिन में ब्रिगेड ने घोषणा की कि उसके लड़ाकों ने पहले से तैयार विस्फोटक उपकरणों के साथ पूर्वी पड़ोस में IDF पर घात लगाकर हमला किया। इस दौरान बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं, जिनमें से एक जवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस तरह अल कुदस की जेनिन ब्रिगेड ने भी इजरायली टुकड़ियों पर हमले की घोषणा की है। समूह ने बताया कि अल दामस दूरी में इजरायली बलों के साथ भयंकर टकराव जारी है, जहां लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों की बौछार कर निशाना बनाया। लड़ाकों ने उसी दूरी पर D9 इजरायली सैन्य बुलडोजर को पहले से तैयार विस्फोटक उपकरण से विस्फोट किया। ब्रिगेड के लड़ाकों ने अल बयादर एक्सिस पर इजरायल की पैदल सेना को भी निशाना बनाया। इसके लिए कई विस्फोटक उपकरण के जरिए जोरदार धमाका किया गया, जिससे कई जवानों के घायल होने की पुष्टि हुई है। इस बीच अल अक्सा शहीद ब्रिगेड की जेनिन ब्रिगेड ने बताया कि लड़ाके शहर के पूर्वी इलाके में इजरायल से हिंसक झड़पों में शामिल थे। नबलस में अल कुदस ब्रिगेड ने अल बलता शिविर पर इजरायली सेनाओं का सामना किया। वहीं अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने इजरायली फौज को गोलियों की बौछार से निशाना बनाया। बता दें कि इजरायल हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही वेस्ट बैंक में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर साल 2023 के बाद से इजरायल ने वेस्ट बैंक में करीब 700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है, जबकि 5500 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली हमले में घायल हुए हैं। बता दें कि इजरायल को ऐसी आशंका थी कि वेस्ट बैंक में हमास लड़ाके बड़ी संख्या में मौजूद हैं, लिहाजा इजरायली सेना ने जमीन और हवाई हमले किए। इस दौरान 10 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई। वेस्ट बैंक में बीते 20 सालों में इजरायल का इसे सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष ने इजरायल के हमले की निंदा करते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इसके गंभीर और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन वेस्ट बैंक में इजरायल के चल रहे ऑपरेशन से बहुत चिंतित है। हम इजरायली अधिकारियों से संयम बरतने, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने और तनाव बढ़ाने की कोशिश करने वालों की गतिविधियों पर लगाम लगाने का आह्वान करते हैं।